दुनिया में पहली बार भारत ने बांस से बनाया क्रैश बैरियर। सड़क पर जान बचाएगा मेड इन इंडिया बाहुबली। स्टील की जगह लेगा बैम्बू क्रैश बैरियर। सड़क निर्माण में हर दिन नया इतिहास रचने वाले भारत ने दुनिया में पहली बार बांस से बना क्रैश बैरियर बना दिया है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के साथ हुए सड़क हादसा तो सबको याद ही होगा। इस हादसे में उनकी जान चली गई थी। जब इस दुर्घटना की जांच की गई तो ये पाया गया कि सड़क पर सही तरीके से क्रैश बैरियर नहीं होना भी इस हादसे की एक बड़ी वजह बनी। लेकिन अब भारत ने दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर बना दिया है। विश्व में पहली बार महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले एक नेशनल हाईवे पर 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया है, जो विदर्भ इलाके में वानी बरोरा हाईवे के पास है, जिसे बाहुबली का नाम दिया गया है। अपने नाम की तरह ये क्रैश बैरियर भी बेहद खास है, जो सभी टेस्ट में पास होकर अब जान बचाने के लिए तैनात हो गया है। सड़क के तमाम संस्थानों ने इसका कड़ा इम्तिहान लिया। इंदौर के नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स में ये अपना लोहा मनवा चुका है। इसके अलावा रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसकी फायर रेटिंग टेस्टिंग की है, जिसमें इसे क्लास 1 रेटिंग मिली है। इंडियन रोड कांग्रेस ने भी इस क्रैश बैरियर को कई पैमानों पर खरा पाया है और अब इसे मान्यता दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस उपलब्धि को लेकर कहा कि बांस से बने क्रैश बैरियर की रिसाइकलिंग कीमत भी स्टील वाले क्रैश बैरियर की तुलना में बेहतर है। बांस से बने इस क्रैश बैरियर की रिसाइकलिंग वैल्यू 50-70% तक की है, जबकि स्टील से बने क्रैश बैरियर की रिसाइकलिंग वैल्यू 30-50% तक की है। बांस के बने इस क्रैश बैरियर के साथ ही भारत ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। ये क्रैश बैरियर स्टील का एक अच्छा विकल्प है, साथ ही ये भारत के बैम्बू सेक्टर को काफी फायदा पहुँचाएगा। इसे बनाने के लिए बाम्बुआ बालकोआ प्रजाति के बांस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसे क्रियोसेट तेल से ट्रीट किया जाता है और फिर इस पर हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की परत चढ़ाई जाती है। बाम्बुआ बालकोआ प्रजाति का बांस अपनी मजबूती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी लंबाई 80 फीट तक होती है और मोटाई 6 इंच तक। भारत में क्रैश बैरियर पर सालाना खर्च करीब 25,000 करोड़ रुपए होते हैं। अनुमान के मुताबिक स्टील बैरियर पर 2,000 रुपए प्रति मीटर का खर्च आता है। अगर बांस से बना क्रैश बैरियर सफल होता है तो ये पैसे किसानों की जेब में जाएंगे। सड़क एवं रोड परिवहन मंत्रालय का प्लान है कि आगे चलकर देश के लगभग 2.25 लाख किलोमीटर हाईवे पर बांस से बने क्रैश बैरियर लगाया जाए। साथ ही जंगलों के पास से गुजरने वाले हाईवे पर भी बैम्बो से फेसिंग हो सकती है, ताकि रोड पर चलने वालों के साथ जंगली जानवरों का भी जीवन बचाया जा सके। नितिन गडकरी का विभाग सड़क निर्माण में नए नए इनोवेशन कर रहा है। कहीं स्टील से कचरे से सड़क बनाई जा रही है तो कहीं इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जा रहा है, और अब सड़कों पर जान बचाने के लिए बाहुबली। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।